जोधपुर शहर के माता का थाना इलाके में दिन दहाड़े दहशत फैलाई गई। इलाके में खड़ी एक स्कॉर्पियो कार पर पहले बोलेरो कैंपर से टक्कर मारी गई, उसके बाद डंपर से उसी कार को रौंदने की कोशिश की गई। स्कॉर्पियो में सवार युवक ने बचकर भागने की कोशिश की तो बोलेरो सवार बदमाशों ने उसका पीछा कर दबोचा और सड़क पर ही ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पूरी वारदात का वीडियो अब सामने आया है। डीसीपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि वारदात सुबह 10 बजे के करीब माता का थाना इलाके में मंदिर क्षेत्र के पास हुई। मूलतः खातियासनी हाल शिकारगढ़ निवासी ओमाराम रलिया पर हमला किया गया। ओमाराम को मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों ने 15 से 20 मिनट तक हमला किया। डीसीपी ने बताया कि फिटकासनी निवासी हिस्ट्री सीटर सागर बिश्नोई और उसके साथियों ने उमाराम पर हमला किया था। दोनों के बीच लंबे समय से रंजिश है। माता का थाना इलाके में सुबह दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। सागर व उसके समर्थकों ने एसयूवी सवार उमाराम की स्कॉर्पियो को पहले बोलेरो कैंपर से टक्कर मारी, फिर स्कॉर्पियो को डंपर से कुचलने की कोशिश की। उमाराम कार से निकल कर भागा तो उसे रोक कर लाठी सरियों से उस पर हमला कर दिया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।